हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। और आज हम डिस्कस करने वाले जीपैट 2024 का कट ऑफ रिलीज हो गया है, तो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ था और इस ईयर का जो कट ऑफ है उसमें डिफरेंस क्या है कैटेगरी वाइज। सेकेंड, उससे आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं जो आप सोच रहे हैं, गवर्नमेंट कॉलेज या कोई भी नियर बाय कॉलेज जो आपकी लिस्ट में हो, वो कितने चांसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं डिपेंडिंग ऑफ दिस ईयर का कट ऑफ। तो स्टार्ट करते हैं, इस बार सीधे चलते हैं। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, देयर इज वन मोर थिंग कि आपका अगस्त 2 को रिलीज होने वाला है स्कोर कार्ड, जो वेबसाइट पे ऑफिशियली अवेल हो जाएगा। तो मैं आपको सारे लिंक्स यहाँ पे शेयर कर दूंगी, कौन कौन से लिंक पे जाके आपको कौन सी चीजें अवेलेबल मिल जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। हम चलते हैं सीधे। तो ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है जो ऑर्गेनाइजेशन इस बार कंडक्ट करवाया है जिन्होंने जीपैट, दैट इज नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन एंड मेडिकल साइंसेज। तो दिस इज देयर ऑफिशियल वेबसाइट। आप यहाँ पे जाएंगे, आपको ये जो पब्लिक नोटिसेज है इसमें ये सारा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। कल ही रिलीज हुआ है ये कट ऑफ, बहुत सारा आप लोगों ने देखा होगा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। मेरा वीडियो डेडिकेटेड है टू एनालाइज लास्ट ईयर एंड दिस ईयर्स कट ऑफ। ऑल्सो मैं आपको स्कोर कार्ड कहाँ मिलेगा, किस लिंक पे अवेलेबल होगा, कैटेगरी वाइज क्या क्या डिफरेंसेज आए हैं लास्ट ईयर इस ईयर के कट ऑफ में, एंड कौन कौन से कॉलेजेस आप होप कर सकते हो, विल टॉक अबाउट दैट। तो ये हमारा है इन्फॉर्मेशन। जब हम उसमें नोटिसेस पे क्लिक करते हैं तो ये सारे नोटिसेस वहां पे डिस्प्ले हो रहे हैं। सी ऑल ऑफ दीज नोटिसेस, ये सारे लेटेस्ट नोटिस हैं। तो 29th of July 2024 को रिलीज हुआ है हमारा कट ऑफ परसेंटाइल फॉर जीपैट एग्जामिनेशन 2024। तो चलते हैं क्या उन लोगों ने बताया है। तो ये हम जैसे उसको क्लिक करते हैं, ये एक ऑफिशियल नोटिस है जो वहां पे दिख रहा है आपको। इसको मैंने जूम करके पूरा बनाया है यहाँ पे, तो ये ऑफिशियली अवेलेबल है। पहली बात तो इसमें ये बताया गया है कि कब कब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, वो सारे ऑफिशियल डेट्स यहाँ पे मेंशन है, दैट इज 8th of July एंड सो एंड सो। एंड उसके बाद ये बताया गया है कि ये जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था उसको जब आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको पूरा का पूरा रिजल्ट का कौन सा नंबर, जो आपका एप्लीकेशन नंबर था, कौन सा कैटेगरी है, कितने लोगों का क्वालिफाई हुआ है, नहीं क्वालिफाई हुआ है, वो पूरा लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। कैसे आ जाएगा ये लिस्ट, क्योंकि अब हमारा कट ऑफ डिक्लेयर हो गया है, राइट। तो आप इसको क्लिक करके अवेल कर सकते हैं। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है अगेन, जहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। ओके, सेकेंड थिंग, इन लोगों ने यहाँ पे क्लियर बताया कि 3938 पीपल हैव फ्रॉम दीज कैटेगरीज, दैट इज EWS, OBC, SC, ST एंड PWBD ने को यहाँ पे गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से उनको 10% रिजर्वेशन का यहाँ पे ऑप्शन मिला है, 10% रिजर्वेशन उनको मिला है यहाँ पे। एंड दिस इज द वेबसाइट थ्रू विच दे कैन चूज। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंगली ये सारी चीजें करी गई हैं, उतना उतना सीट रिजर्व करा गया हर कैटेगरी के लिए, वी ऑल नो दैट। तो चलते हैं हम क्या कट ऑफ परसेंटाइल्स है। तो कट ऑफ परसेंटाइल जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो, ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। ये URL है, यहाँ पे जाके आप ये ऑफिशियल नोटिस डाउनलोड कर सकते हो। तो UR कैटेगरी के लिए गया है 96.15%। अभी मैं आगे चल के ये भी डिस्कस करूंगी लास्ट ईयर कट ऑफ क्या था और इस ईयर का कट ऑफ क्या है, एंड हाउ डू वी कंपेयर दैट, कितनी पॉसिबिलिटी हमारी बढ़ गई है या फिर कम हो गई है। इफ यू वॉन्ट की कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको आइडिया लगाना हो कि मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या नहीं डिपेंडिंग अपॉन द कट ऑफ रिलीज बाय जीपैट, तो आप उसका कमेंट सेक्शन में नेम ड्रॉप कर सकते हैं। आई विल मेक अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट। आई होप आप फॉलो कर रहे हो जो अभी मैंने सीरीज बताई है, सारे इंस्टीट्यूट का डिटेल वीडियो आ रहा है जो, तो यू कैन ड्रॉप योर यूनिवर्सिटी नेम ऑल्सो देयर। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद दिस, और हम इजिली एनालाइज करेंगे आगे भी वीडियो में कि जीपैट 2024 एंड 23 के कंपैरिजन में कौन कौन सी कैटेगरी का कितना डिफरेंस आया है। उससे एक अच्छा आइडिया ये लग जाएगा कि जो जो इंस्टीट्यूट आपके टारगेट की लिस्ट में होंगे उनमें कितने परसेंटेज चांसेस है आपके एडमिशन को कन्वर्ट होने के लिए, राइट। एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन विद डॉक्टर निकिता। एंड इफ यू वांट एनी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी टू बी कवर्ड फॉर द एमफार्म एडमिशन प्रोसेस, तो आप उसका नाम प्लीज कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करिए। एंड जैसे आप देख रहे होगे सीरीज फॉलो कर रहे हो, तो मैं सारे एडमिशन का डिटेल स्टेप बाय प्रोसेस बता रही हूँ। आगे इंस्टीट्यूट्स की जो मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी कैटेगरीज का आ गया, ओबीसी का 90 एंड एससी का 75, एसटी का 54। अब यहाँ पे ये बताया गया कि 2 अगस्त को इस वेबसाइट पे आपका ऑफिशियल स्कोर कार्ड डिक्लेयर हो जाएगा, आप उसे क्लिक करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये हमारा URL है nve.edu.in, तो प्लीज डू दैट, 2 अगस्त को मार्क कर लीजिए। एंड ये इनका पूरा नोटिस है जो मैंने अभी बताया था। अगेन यहाँ पे क्लियर लाइन लिखी हुई है कि एमफार्म सीट छात्रवृत्ति सुरक्षित करने के लिए कोई स्वचालित अधिकार प्रदान नहीं करती, मतलब
अगर कोई ऐसा इंस्टीट्यूट है, आपने जीपैट क्वालिफाई करा है, दैट डज नॉट गारंटी कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा. तो ये थोड़ा सा लग रहा होगा सुनने में कॉन्ट्राडिक्टरी, जीपैट में स्कॉलरशिप है पर ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी अपनी पॉलिसीज हैं, तो ये गवर्न नहीं करता कि वहां पे आप, हो सकता है जो स्कॉलरशिप पॉलिसी है वो उस इंस्टीट्यूट में लागू ही नहीं होती है, तो दैट डज नॉट गारंटी कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगा ही मिलेगा. हो सकता है उस इंस्टीट्यूट का अपना पर्सनल कुछ स्कॉलरशिप प्रोटोकॉल होता होगा, पर मोस्टली जीपैट स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप का प्रोबेबिलिटी रहता है हर इंस्टीट्यूट. तो ये इंस्टीट्यूट वाइज पॉलिसी कहीं वेरी हो सकती है, इसलिए ऐसा लिखा है ताकि आगे चल के स्टूडेंट्स क्लेम नहीं करने लगे कि जीपैट इक्वल्स टू स्कॉलरशिप, राइट. तो वो हर इंस्टीट्यूट का डिफरेंट हो सकता है. नेक्स्ट आ जाते हैं. तो ये जो लिंक मैंने क्लिक किया था वो हमको यहाँ पे रीडायरेक्ट करती है nbe.edu.in. तो यहाँ पे जब आप जाएंगे 2 अगस्त को, आपको यहाँ पे अपना जीपैट का स्कोर कार्ड ऑफिशियली मिल जाएगा. नेक्स्ट हम आते हैं, अब इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, मतलब वैधता इस स्कोर कार्ड की वैलिडिटी कब तक है. तो 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जामिनेशन, आपने जब भी ये रिजल्ट आया है तब से 3 years तक ये वैलिड रहेगी, ठीक है. तो ये भी हमें मिल गया यहाँ पे कि वैलिडिटी क्या है, एंड देन ये मैंने अभी डिस्कस कर लिया था ये पॉइंट. नेक्स्ट हम आ जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे अगर इस लाइन पे तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा. मैंने बताया कितने स्टूडेंट्स ने अपियर किया था, उसके आगे क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड बेस्ड ऑन द अभी जो परसेंटाइल रिलीज हुआ है. तो इसको क्लिक करते ही ऐसा कुछ लिख कर आ रहा है, जो भी आपका एप्लीकेशन आईडी रोल नंबर है, आगे आप जाके क्वालिफाइड या नॉन क्वालिफाइड चेक कर सकते हैं. तो ये पूरी डिटेल्ड लिस्ट है, ये एक कंपैरिजन मैंने बनाया है लास्ट ईयर का 2023 और इस ईयर का कट ऑफ के बेसिस पे. अगर आप इसको कंपेयर करते हो तो जनरल कैटेगरी में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है परसेंटाइल में, EWS में भी बहुत ही मिनिमल डिफरेंस आया है, सेम फॉर OBC. हाँ, SC कैटेगरी में थोड़ा सा कम हो गया है परसेंटेज, तो हो सकता है आपके थोड़े से चांसेस हाई हो जाए, एंड फॉर ST कैटेगरी अगेन थोड़ा सा परसेंटेज जो है हमारा कम हो गया है, तो अगेन थोड़ा से चांसेस ज्यादा बढ़ सकते हैं आपके. बाकी जनरल EWS एंड OBC के लिए लाइकली सिमिलर रहेंगे. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू लर्न मेडिसिन बाय डॉक्टर निकिता, एंड स्टे कनेक्टेड फॉर मोर सच अपडेट्स ऑन GPAT. थैंक यू.